ड्रग फ्री हिमाचल के तहत ज्वालामुखी पुलिस थाना प्रभारी मनोहर चौधरी व उनकी टीम ने क्षेत्र के बाजार में केमिस्ट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया और रिकॉर्ड चेक किए। ज्वालामुखी में लगभग एक दर्जन दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने दवाइयों का रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज चेक किए। हालांकि टीम को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन पूरा दिन क्षेत्र में गहमा गहमी मची रही। ड्रग फ्री हिमाचल के तहत ज्वालामुखी पुलिस थाना प्रभारी मनोहर चौधरी व उनकी टीम ने क्षेत्र के बाजार में केमिस्ट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया और रिकॉर्ड चेक किए। ज्वालामुखी में लगभग एक दर्जन दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने दवाइयों का रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज चेक किए। हालांकि टीम को कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं लगी, लेकिन पूरा दिन क्षेत्र में गहमा गहमी मची रही। डीएसपी तिलकराज ने बताया कि उन्होंने केमिस्ट की दुकानों का निरीक्षण किया, दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित दवाइयां बिना डॉक्टर की पर्ची के ना बेचें, साथ ही H1 रजिस्टर पूरी तरह अप टू डेट रखें। उन्होंने टीबी की दवाइयां बिना बेचने का आह्वान किया, क्योंकि उनको अस्पताल में मुफ्त दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ कमियां केमिस्ट की दुकानों में पाई गई, खामियों को शीघ्र ठीक करने के निर्देश दिए। SHO मनोहर चौधरी का कहना है कि SP कांगड़ा विमुक्त रंजन व सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ये अभियान चलाया गया है और आगे भी इस तरह के छापामारी जारी रहेगी। इसके चलते प्रतिबंधित दवाइयों का औचक निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर दुकानों में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की बिक्री की संभावना के चलते छापामारी का अभियान चलाया। उन्होंने समाज सेवियों से भी अपील की है कि स्कूलों कॉलेजों में नशा जागरूक शिविर लगाएं और तम्बाकू व गुटखा के नुकसान को लेकर छात्रों को जागरूक किया जाए। हमारा जो यूथ है इस टाइम का, वो नशे की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है। अपने यूथ को इस नशे से बचाने के लिए ये अभियान पुलिस की तरफ से हर बार छेड़े जाते हैं, हर बार हम ये काम करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आसपास जो भी दुकानें उनको हम सर्च करते हैं, ताकि वहां पे कोई बंदा, जो भी शॉपकीपर है, वो कोई NDPS से रिलेटेड कोई सामान तो नहीं बेच रहा है, इस चीज़ को हम चेक करते हैं और एक डिटरेंस क्रिएट करते हैं लोगों में कि अगर कोई करने की इच्छा रखता भी हो तो ऐसा काम ना करें। और हमारा यूथ के लिए ये मैसेज रहता है कि आप इस देश का भविष्य बनाने जा रहे हैं और आप इस देश का भविष्य भी हैं, तो उनको जितना नशे से दूर रखा जाएगा उतना हमारे लिए अच्छा है। और मेरी इस यूथ से यही विनती है और कि वो आगे आए और इस नशे को नो कहें, से नो टू ड्रग्स। सर, अभी जो कार्रवाई हुई है इसमें कोई इस तरह की नशीला पदार्थ कहीं मिला हो या? अभी हमने दो दिन पहले चर्च में एक आदमी को, लोकल व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और सर्च कर रहे हैं, संदिग्ध व्यक्तियों को भी देख रहे हैं, जो भी मिलेगा उसको